दोस्तों, पहले तो मुझे लगता था कि बीजेपी ने ठान ली है कि वो हर हाल में राहुल गांधी को इस देश का सबसे बड़ा नेता बनाकर छोड़ेगी, लेकिन अब तो लगता है बीजेपी का पता नहीं, लेकिन मोदी जी ने ठान लिया है कि वो राहुल गांधी को इस देश का सबसे बड़ा नेता बनाकर ही छोड़ेंगे। मतलब प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी को लेकर क्या इतने ऑब्सेस्ड हो गए हैं, प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी को लेकर इतने परेशान हो गए हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी को लेकर क्या इस लेवल पर टेंशन में आ गए हैं, इतने परेशान हो गए हैं कि उनको राहुल गांधी को लेकर इस तरह की बयानबाजी करनी पड़ रही है, उनकी सोच को नक्सलियों जैसी सोच कहनी पड़ रही है। अजीब बात यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री ने आज बड़ी मुश्किल से एक और चुनावी रैली को संबोधित किया। पता नहीं मोदी जी को क्या हो गया है, जहां मोदी जी इलेक्शन की डेट आने से पहले ही ताबड़तोड़ रैलियां शुरू कर दे रहे थे, इस बार तो रैली नहीं कर रहे हैं। चलिए, बड़ी मुश्किल से दूसरी रैली को संबोधित किया जम्मू में दूसरे चरण के मतदान से पहले। दोस्तों, जम्मू की इस रैली में मोदी ने एक बात बोली राहुल गांधी को लेकर। अजीब बात तो यह है कि राहुल गांधी का नाम नहीं लेते मोदी जी। पता नहीं राहुल गांधी का नाम लेने में क्या दिक्कत है, कभी शहजादा बोलते हैं तो कभी बालक बुद्धि बोलते हैं। लेकिन राहुल गांधी को लेकर जो मोदी जी ने बात बोली, उसके पीछे की कहानी मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन आप सुनिए पहले राहुल गांधी को लेकर मोदी ने क्या बोला। कांग्रेस तो कुछ वोटों के लिए हमारी आस्था और हमारी संस्कृति को कभी भी दांव पर लगा सकती है। कांग्रेस का जो शाही परिवार है, उसके वारिस ने हाल में विदेश में जाकर क्या कहा है, ये आपने भी सुना होगा। वो कहते हैं हमारे देवी देवता भगवान नहीं है, हिंदू धर्म में गांव गांव में देवियों को देवताओं को पूजने की परंपरा है, हम इष्ट देवों को मानने वाले लोग हैं। और ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि देवता भगवान नहीं होते, क्या आप उनकी बातों से सहमत है? आप सहमत है? क्या ये हमारे देवताओं का अपमान है कि नहीं है? और ऐसा अपमान करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा देंगे, जी भर के सजा देंगे। कांग्रेस के लोग ऐसी बातें भूल चुक से नहीं बोलते हैं, ये सोची समझी चाल है, ये एक नक्सली सोच है, ये दूसरे धर्मों और दूसरे देशों से इंपोर्ट की हुई सोच है। तो राहुल गांधी ने अमेरिका में देवता को लेकर, हिंदू धर्म में जो देवता होता है उसको लेकर एक बयान दिया था, मोदी उसको लेकर यहाँ पर टिप्पणी कर रहे थे, ये आरोप लगा रहे थे कि राहुल गांधी हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। इस तरह के आरोप बीजेपी राहुल गांधी और गांधी परिवार और कांग्रेस पर लगाती रही है कि ये एंटी हिंदू हैं, ये इनको मुसलमान ज़्यादा पसंद हैं। राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा क्या था एग्जैक्टली, ये बयान सुनिए। डू यू नो व्हाट देवता मींस इन द टर्म देवता, डू यू नो व्हाट इट मींस? नो, व्हाट? नो, इट डजंट मीन गॉड, नो, डजंट मीन द डीटी। सो देवता in India actually means a person whose internal feelings are exactly the same as his external expression. हालांकि टेक्निकली अगर आप देखें तो दोस्तों, राहुल गांधी का ये जो देवता वाला बयान है उसे आप गलत ही मानेंगे, क्योंकि सनातन धर्म में देवता की परिभाषा ये नहीं होती है जो राहुल गांधी बता रहे थे। तो माना जा सकता है कि हो सकता है कि राहुल गांधी देवता की परिभाषा बताने में शायद गलती कर गए, तो इसके लिए मोदी जी उन पर हिंदू धर्म के विरोधी होने का आरोप लगा सकते हैं, जो कि वो लगाते रहे और जो कि उन्होंने लगाया भी। लेकिन राहुल गांधी की सोच को नक्सली कहना, ये क्या चिंताजनक नहीं है दोस्तों? तब जब बीजेपी के नेता लगातार राहुल गांधी के खिलाफ बेहद ही हिंसक बयानबाजी कर रहे हैं, कोई कह रहा है राहुल गांधी को जेल भेज दो,
कोई कह रहा है राहुल गांधी के सांसद ही छीन रहे हो, और वो भी गिरिराज सिंह, मोदी जी के मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की सांसदी छीन लेनी चाहिए। ठीक है, बीजेपी के दिल्ली के नेता और पूर्व विधायक एक बकायदा प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी बाज आ जा, नहीं तो तेरा हश्र भी इंदिरा गांधी जैसा होगा। इंदिरा गांधी का क्या हश्र हुआ आप जानते हैं दोस्तों। एनडीए के एक विधायक महाराष्ट्र के कहते हैं कि राहुल गांधी की जीप काट देनी चाहिए और राहुल गांधी की जो जीप काटेगा उसको 11 लाख रुपए का इनाम देंगे। उसके बाद महाराष्ट्र के एक और बीजेपी के नेता कहते हैं कि जीप काटो नहीं, जीप जला देनी चाहिए। राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान से इन लोगों को आपत्ति है, तो आप राहुल गांधी का विरोध कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी को लेकर लगातार हिंसक बयानबाजियां हो रही हैं जो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनके उनके लिए उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करती है। ऐसे में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि राहुल गांधी की सोच नक्सली सोच है, तो क्या ये मतलब ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को और प्रोत्साहित नहीं करेगा कि आप राहुल गांधी को लेकर और हिंसक बयानबाजी कीजिए। दोस्तों यूपी के भी बीजेपी सरकार के मंत्री ने कहा है कि राहुल गांधी नंबर वन टेररिस्ट है। मोदी जी के मंत्री भी कह चुके हैं कि राहुल गांधी नंबर वन टेररिस्ट है, और अपनी बात पर माफी मांगने के बजाय वो अपने इस बयान को जस्टिफाई कर रहे हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि लगातार एक तरह से राहुल गांधी के खिलाफ हिंसक बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिखी। किसे लिखी? मोदी जी को लिखी, उनको जन्मदिन की बधाई देते हुए चिट्ठी लिखी कि क्या आपको इस बारे में कोई भी जानकारी है कि आपके नेता लगातार हिंसक बयानबाजी कर रहे हैं, राहुल गांधी की जान से मारने की धमकियां, राहुल गांधी की जीप काटने की धमकियां, और राहुल गांधी को नंबर वन आतंकी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अजीब बात यह है कि चिट्ठी मोदी जी को लिखी, लेकिन इसका जवाब कौन दे रहे हैं? जेपी नड्डा ने चिट्ठी लिख दी मल्लिकार्जुन खड़गे को इस बात पर कि मोदी जी के लिए देखिए क्या क्या कहा गया है। भाई प्रधानमंत्री के पास बहुत सुरक्षा होती है, और टिप्पणी अगर मोदी जी के लिए की जाए तो वो भी गलत है। अगर मोदी जी के लिए कोई इस तरह की टिप्पणी कर रहा है दोस्तों, तो वो भी गलत है। लेकिन बात तो यही ना दोस्तों कि बीजेपी वाले तो यही कहते हैं कि वो बाकियों से अलग हैं, तो अगर कांग्रेस वाले गलत कर रहे हैं तो बीजेपी वाले उससे ज्यादा गलत करके दिखाएंगे क्या? दोस्तों बीजेपी के मोदी जी के मंत्री ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी नंबर वन टेररिस्ट हैं, नंबर वन आतंकी हैं। मोदी जी के मंत्री कह रहे हैं कि उनकी सांसदी छीन लेनी चाहिए। एनडीए के विधायक कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जीप काट देनी चाहिए, और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जीप काट कर जला देनी चाहिए, और मोदी जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी की सोच नक्सली सोच है। कोई उनको आतंकी कह रहा है, कोई उनको नक्सली कह रहा है, तो आप एक तो राहुल गांधी को लेकर जो लगातार हिंसक बयानबाजियां हो रही हैं उसके खिलाफ कुछ नहीं बोले, और क्या इस तरह की भाषा उस तरह की बयानबाजी को और नहीं बढ़ाएगी? यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि दो दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई अमित शाह द्वारा। अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो एक पत्रकार ने पूछ लिया कि राहुल गांधी को लेकर लगातार हिंसक बयानबाजियां हो रही हैं और मोदी जी के मंत्री ने कहा है कि वो नंबर वन आतंकी हैं, तो अमित शाह का जरा आप जवाब सुनिए। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू जी ने प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को आतंक, आप पॉलिटिकल सवाल की दिशा में न जाइए, मैं दृढ़ता से नहीं जवाब दूंगा, बार बार कहना पड़े अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों जितना जवाब अमित शाह ने दिया कि मैं दृढ़ता से आपके इस राजनीतिक सवाल का जवाब नहीं दूंगा, इतना ही वक्त अमित शाह को लगता है ये बोलने में कि मैं इस जवाब से इत्तेफाक नहीं रखता, मैं बिट्टू के इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, पार्टी इस तरह के बयान का समर्थन नहीं करती, ये बात बोल सकते थे अमित शाह। ठीक वैसे ही जैसे कंगना ने जब किसान आंदोलन के लिए बोला कि वहाँ रेप हो रहे थे और वहाँ लोगों को कत्ल करके टांगा जा रहा था, तो बीजेपी ने बकायदा कंगना को एहतियात बरतने की सलाह दी, जेपी नड्डा ने उनको बुलाया, बड़ी डांट पड़ी उनको, फिर बीजेपी ने प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि हम इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। क्यों? क्योंकि हरियाणा में चुनाव है और वहाँ बीजेपी को नुकसान होने की आशंका थी, तो बीजेपी ने उस बयान से कन्नी काट ली। तो फिर बड़ा सवाल ये है कि ये जो सिलसिलेवार तरीके से राहुल गांधी को लेकर हिंसक बयानबाजी हो रही है, कोई उनको आतंकी कह रहा है, कोई उनको जीप काटने की धमकी दे रहा है, तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि मोदी और अमित शाह राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी नेताओं की हिंसक बयानबाजी रोक तो नहीं पा रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, उस तरह के सवाल से भी कन्नी काट लेते हैं, लेकिन नक्सली बोलकर, नक्सली जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके आखिर प्रधानमंत्री क्या इस तरह के बयानों को और बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? दोस्तों आप किसी विचारधारा से इत्तेफाक रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, लेकिन फलाने की सोच आतंकी है, फलाने की सोच नक्सली है, मतलब आप सोचिए कितनी अजीब बात है ये कि जिसे आप नक्सली सोच वाला बता रहे हैं वो हमारे देश के लोकतंत्र की सबसे बड़े मंदिर, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पंचायत, संसद में, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, विपक्ष के जितने भी सांसद हैं उनके लीडर हैं वो, आप उनके लिए कह रहे हैं कि वो नक्सली सोच के हैं, आप अपनी संसद की गरिमा नहीं गिरा रहे हैं इस तरह की बात बोलकर? आखिर क्यों राहुल गांधी को लेकर
जो ऑब्सेशन है प्रधानमंत्री का वो खत्म नहीं हो रहा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।